जब तक आपका कनेक्शन ऑयल के साथ नहीं होगा, तब तक पवित्र आत्मा आपसे पहचान नहीं करेगा। जय मसीह के प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका जीए चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक विशेष सब्जेक्ट को देखेंगे और इस सब्जेक्ट का नाम है या टॉपिक का नाम है अभिषेक या फिर अभिषेक तेल, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा चीज़ है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि प्रभु के सेवक, जो अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हैं, परमेश्वर का सेवक कहते हैं, वो इस अभिषेक तेल या अभिषेक के बारे में बात करके इसका बहुत मर्चेंडाइज करते हैं और इसके द्वारा लोगों को भरपा रहे हैं, लोगों को बहुत गलत शिक्षा दे रहे हैं। अभिषेक तेल के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कोई तेल है जिसमें हमने प्रार्थना किया, उस तेल के अंदर अभिषेक है, अब इस तेल को अगर आप खरीदें, इस तेल को अगर आप लें और लगाएं तो फिर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे और इसलिए आप हमारे चर्च में पैसा दीजिए, हमारे संस्था में पैसा दीजिए और इस तेल को लेके जाइए और लेके जब आप जाएंगे, आप लगाएंगे तो आपको आपको सफलता मिलेगा, आपको संपन्नता मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज अभिषेक क्या है और अभिषेक तेल क्या है, बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और आने वाले एक दो वीडियोज़ में हम लोग एक वीडियो लेंगे जो कि एक पास्टर का है, एक सेविकाई से जुड़े हुए हैं वो, लेकिन किस तरह इस अभिषेक तेल के बारे में वो गलत शिक्षा देके और लोगों को वचन से गुमराह करके उनको मजबूर करते हैं कि वो लोग तेल को खरीदें, तेल को लें और अपने जीवन में चंगाई को पाएं, अपने जीवन में सफलता पाएं और इस तरह से वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए बहुत बड़ा ठोकर का कारण बन रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस अभिषेक के बारे में थोड़ा देखेंगे, अभिषेक तेल के बारे में थोड़ा देखेंगे और हम लोग समझेंगे, ताकि इसके द्वारा हम एक बैकग्राउंड को बिल्डअप करें इससे पहले कि हम उन पास्टर के वीडियो को खंडन करें और वहाँ से बातों को देखें। तो आइए मैं आपके सामने कुछ पदों को पढ़ना चाह रहा हूँ और इसके द्वारा हम लोग अपनी बुनियाद को बनाएंगे और समझेंगे कि अभिषेक क्या है। निर्गमन उसका 28 अध्याय और 41 पद, निर्गमन 29 अध्याय 7 पद, निर्गमन 30 अध्याय उसका 30 पद, 40 अध्याय उसका 13 पद, 15 पद, पहला सामवेल 9 अध्याय उसका 16 पद, 15 अध्याय उसका 1 पद, 16 अध्याय उसका 3 पद, 12 पद, पहला राजा उसका 1 अध्याय 34 पद, पहला राजा 19 अध्याय 15 पद 16 पद, दूसरा राजा 9 अध्याय 3 पद, 9 अध्याय 6 पद, दूसरा राजा 9 अध्याय 12 पद। अभिषेक का एक मुख्य कारण पुराने नियम में और संपूर्ण बाइबल में ये था, ताकि अभिषेक व्यक्ति, अभिषिक्त जन या अभिषिक्त करना कोई भी चीज़ को या कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करना होता था, कॉन्सिक्रेट करना होता था, पवित्र ठहराना होता था, जहाँ पे उस व्यक्ति को, उस चीज़ को परमेश्वर के लिए अलग ठहराया जाता है, परमेश्वर की सेवा के लिए संपूर्ण रूप से दिया जाता है। जो इन पदों को मैंने पढ़ा, इन हर एक पदों में आप पाएंगे या तो हारून के बात हो रही है, मूसा हारून को अभिषेक कर रहा है, हारून के बेटों को अभिषेक कर रहा है, मूसा उस तंबू में जो सामान थे, तंबू में जो यूटेंसिल्स थे, जो बर्तन थे, उसको अभिषेक कर रहा है। पाएंगे कि राजा दाऊद का अभिषेक हो रहा है, राजा साऊल का अभिषेक हो रहा है, अब पाएंगे वहाँ पे कि सुलेमान का अभिषेक हो रहा है। तो ये जो पूरा संदर्भ है जहाँ पे अभिषेक होने के बारे में कहा जाता है या अभिषिक्त होने के बारे में कहा जाता है, तेल के द्वारा किसी नबी ने किसी को अभिषेक किया इसके बारे में कहा जा रहा है, ये हर एक चीज़ है, चाहे मूसा हारून का अभिषेक कर रहा है, चाहे मूसा तंबू के सामान को अभिषेक कर रहा है, तंबू में रखे गए बर्तनों को अभिषेक कर रहा है, इसका केवल एक ही पर्पस था, एक ही कारण था और वो ये था कि हर एक चीज़ें परमेश्वर के लिए अलग ठहराई जाए। हारून, हारून के बेटे, दाऊद, सुलेमान, राजा साउल, मिलाप वाले तंबू में जो यूटेंसिल से जो बर्तन हैं, इसके ऊपर अभिषेक करने का कारण ये था कि हर एक चीज़ें परमेश्वर की सेवा के लिए, लेवियों का अभिषेक होना, ये हर एक चीज़ें इसलिए थी ताकि ये लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग ठहराए जाए, ये लोग परमेश्वर की सेवा के लिए अलग ठहराए जाए और इनको इनको अपना जीवन, इनको अपना पूरा समय परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए ये लोग दें। तो यहाँ पे अभिषेक का जो कारण है या अभिषेक देने का कारण है, अभिषिक्त ठहराने का कारण है, वो इसलिए नहीं कि इसके द्वारा कोई चंगा हो जाए, इसके द्वारा कोई
धनवान बन जाए, कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाए, कोई संपन्न बन जाए, लेकिन यहाँ पे एक ही पर्पस है कि अभिषेक के द्वारा या अभिषिक्त जन एक ऐसे व्यक्ति को ठहराया जा रहा है, या फिर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो कि परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना गया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया गया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग ठहराया गया। वो बर्तन परमेश्वर के तंबू में साधारण बर्तन नहीं थे जिसको लोग लेके अपने घर में खाना पीना बनाते थे या खाना भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे। ये तंबू में था, ये परमेश्वर की सेवा के लिए था, ये परमेश्वर के निमित्त था, परमेश्वर को अर्पण किया गया था, इसलिए उसके ऊपर मूसा ने उसको अभिषेक किया। तो यहाँ पे हम सफाई से पाते हैं कि अभिषेक होने का कारण और उद्देश्य बाइबल में किस तरह ठहराया गया है। दूसरा, अभिषेक का जो इस्तेमाल किया गया इब्रानी भाषा में, वो एक बहुत ही सिंपल तरीके से इस्तेमाल किया गया, जैसे कि तेल का लगाना, तेल का मलना या तेल का उंडेलना। इसको छोड़ के और कोई दूसरा कारण नहीं है वहाँ पे। जैसे कि अगर आप पढ़ें दूसरा सामुएल उसका 14 अध्याय और उसका दूसरा पद, अगर आप पढ़ेंगे रूथ उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद, अगर आप पढ़ेंगे दानियल उसका 10 अध्याय और उसका 3 पद, यहाँ पे हर वक्त जो अभिषेक ना या फिर अभिषेक तेल के बारे में कहा गया है, वो एक सिंपल वे में है, एक साधन तरीके में है कि दानियल ने अपने ऊपर उस तेल को मला, तेल को लगाया, रूथ ने तेल लगाया। पहला सामुएल में भी हम वही चीज़, दूसरा सामुएल 14:2 में भी हम वही पाते हैं कि तेल को लगाया गया है। तो यहाँ पे कोई खास तेल के बारे में बताया नहीं जा रहा है कि इस तेल में कुछ खास सामर्थ्य है, कुछ खास बातें हैं, इस तेल के ऊपर कुछ खास शक्ति या सामर्थ्य दी गई है ताकि इसको जब लगाया जाए तो कुछ काम बन जाए, तो नौकरी मिल जाए या आप अमीर हो जाए, संपन्न हो जाए, ऐसा कोई भी जिक्र बाइबल में अभिषिक्त या अभिषिक्त तेल के साथ नहीं है। फिर अगर आप पुराने नियम में ही अगर आप अभिषिक्त तेल के बारे में पढ़ें तो आप निर्गमन उसका 30 अध्याय और 32 और 33 पद में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे परमेश्वर मूसा को कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस दिए थे, बहुत ही खास रीति से परमेश्वर ने बताया था कि ये तेल को तुम किस तरह बनाना, ये अभिषेक तेल को तुम कैसे बनाना। और परमेश्वर मूसा को वहाँ पे कहता है निर्गमन 30 अध्याय और 32 से लेकर 33 पद में कि ये तेल केवल मेरे आ, आ, ये सिर्फ केवल अभिषेक लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो लोग मेरे काम के लिए ठहराए गए हैं, जैसे मूसा है, जैसे हारून है, हारून के बेटे हैं, केवल इनके लिए ये तेल इस्तेमाल किया जाए क्योंकि मैंने इनको मेरी सेवा के लिए अलग किया गया है। ये केवल मिलाप वाले तंबू में ही इस्तेमाल किया जाए, वहाँ के बर्तनों को अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसको साधारण काम के लिए, साधारण लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल ना किया जाए, ना कि इसका कोई डुप्लीकेट बनाया जाए, इसका कोई कॉपी बनाया जाए, ऐसे ही तेल बना के साधारण रूप से इस्तेमाल किया जाए। तो परमेश्वर ने विशेष रूप से ये आज्ञा दी थी कि ये तेल केवल मेरे काम के लिए, मेरे मंदिर में या मेरे मिलाप वाले तंबू में इस्तेमाल करने के लिए तेल का इस्तेमाल हो, हारून के लिए, हारून के वंशज के लिए तेल का इस्तेमाल हो, और केवल ये इस वजह से इस्तेमाल हो ताकि ये एक डिफरेंशिएट करे, ये एक अलग रीति से इन चीज़ों को या फिर इन लोगों को दिखाए और ठहराए कि ये मेरे सेवा के लिए, मेरी सेवकाई के लिए अलग चुने गए हैं, अलग ठहराए गए हैं। इसके अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में मैं आपको और भी कुछ रेफरेंसेस दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। निर्गमन 25 अध्याय उसका 6 पद, 29 अध्याय 7 पद, 29 का 21 पद, 30 का 25 पद, लेवी व्यवस्था 7 का 35, 8 का 2, 8 का 10, 8 का 12, 8 का 30, गिनती उसका 4 का 16 और 18 का 8। जो आप नए नियम में आते हैं, नए नियम में भी इस तेल के बारे में जब जब इस्तेमाल किया गया है या बताया गया है, वो बस इतना ही दर्शाया गया कि इस तेल को लगाया गया। चाहे मत्ती आप 6 का 17 ले लें, मरकुस 16 का 1 ले लें, मरकुस 14 का 8 ले लें, प्रकाशित वाक्य 3 का 18 ले लें, ये हर एक जगह पे ये तेल के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने तेल को लगाया। इसका जो यूनानी, इसका जो ग्रीक शब्द है जिसमें जिसका ट्रांसलेशन आप हिंदी में अनॉइंटिंग को पाते हैं या फिर अनॉइंट करना पाते हैं, अभिषेक करना पाते हैं, तो ये जो ग्रीक वर्ड है इसका बस केवल अर्थ यही है कि इस तेल को मलना, इस तेल को लगाना, इस तेल को उड़ेलना। यहाँ पे तेल के अंदर कुछ खास अभिषेक है, तेल के अंदर कुछ खास क्वालिटीज हैं, ये कोई स्पेशल तेल है जिसको लेके लगाया जाए तो कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, तो कुछ खास बात आपके जीवन में हो जाएगा, ऐसी कोई भी शिक्षा नए नियम में नहीं दिया गया है।
हाँ आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है, याकूब की पुस्तक में लिखा गया है कि जब कोई बीमार हो तो बुलाना लोगों को, प्राचीनों को, वो तेल लगाएंगे, उनके प्रार्थना के द्वारा चंगे होंगे। तो ये सब टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, और भी बहुत सारे वर्सेस को देखेंगे जहाँ पे उसको मिसकोट किया गया है, मिसरिप्रेजेंट किया गया है, ताकि ये पास्टर अपने इस तेल बेचने वाले चीज़ को या फिर इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और लोगों को धोखा दें, लोगों को भरमाएं और ये बताना चाहें और लोगों को ये बताएं कि इस तेल में कुछ खास अभिषेक है, तो इसको लोग लें, उसको खरीदें और तब उनके जीवन में ये बातें होंगी। तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग 6 या 7 ऐसे वर्सेस हैं जिसको हम लोग देखेंगे और उन वर्सेस के द्वारा समझेंगे कि वास्तव में उसका संदर्भ क्या है, वास्तव में परमेश्वर ने वहाँ पर अभिषेक या अभिषिक्त तेल के बारे में क्यों लिखा है और कैसे ये पास्टर्स इनको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस कोट कर रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें और इन वीडियोज़ को आप देखते रहें ताकि हम सब मिलके हम एक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते जाएं, हमारे जीवन में परमेश्वर का काम हो, हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन को हम लोग और गहराई से और अच्छे से समझें और संदर्भ को समझें और उसी अनुसार अपने जीवन में इन वर्सेस को हम लोग अप्लाई करें, ना कि गलत तरीके से अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि इस चैनल के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का वचन और भी तेजी से लोगों तक पहुंचे और लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण लेके आए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।